सहारा लेटेस्ट न्यूज़। शासन ने सहारा इंडिया व यूनिटेक्स सहित 6 हाई टैक्स टाउनशिप से जुड़े प्रोजेक्ट को निरस्त करने की संतुष्टि की है। असल सहित कई अन्य डेवलपर्स के साथ अन्य टाउनशिप प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने पर सहमति दे दी गई है। प्रदेश में निजी पूंजी निवेश को प्रोत्साहन के लिए करीब 12 वर्ष पहले हाईटेक टाउनशिप नीति को मंजूरी दी गई थी। इस नीति के तहत प्रदेश में 13 हाईटेक टाउनशिप के विकास के लिए MOU किया था, लेकिन 12 वर्ष बीत जाने के बाद भी 6 परियोजनाएं पूरी तरह से निष्क्रिय हैं, 7 अन्य प्रगति संतोषजनक है। यह मामला मुख्य सचिव अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति में सक्षम रखा था। समिति ने 6 टाउनशिप समिति के समक्ष रखा गया था। समिति ने 6 टाउनशिप विकास कार्यकर्ताओं का चयन निरस्त करने को मंजूरी दे दी है। इसमें सहारा कॉमर्शियल कॉरपोरेशन ने लखनऊ में 1784 एकड़ टाउनशिप में विकास के लिए 13 दिसंबर 2005 को MOU किया था। इसी ग्रुप में कानपुर में 1794 एकड़ की टाउनशिप डेवलप करने के लिए 8 दिसंबर 2005 को MOU किया था। IVICCL नर्सरी आगरा ने 30 दिसंबर 2005 को 15 एकड़ में टाउनशिप विकास के लिए MOU किया था। यूनिटेक लिमिटेड आगरा वाराणसी में 1500 एकड़ टाउनशिप विकसित करने के लिए 1 दिसंबर 2005 को MOU किया था। इसी तरह रिवाज इंटरफ्राटेक्चर बुलंदशहर ने 3601.19 एकड़ में टाउनशिप विकास के लिए 5 दिसंबर 2009 को MOU किया था। इन सभी 6 विकास कार्यकर्ताओं का चयन निरस्त करने की संतुष्टि की गई है। इसमें यूनिटेक केदो को IVICCL के प्रोजेक्ट के प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए इनका चयन निरस्त करने की कार्रवाई अदालत में संज्ञान में लगाकर करने को कहा गया है। इन 7 विकास कार्यकर्ताओं की टाउनशिप को मिलेगा समय। या दोस्तों, ये कौन सी है? अप्पल चड्डा हाईटेक डेवलपर्स गाज़ियाबाद। नंबर 2 सन सिटी हाईटेक प्रोजेक्ट गाज़ियाबाद। नंबर 3 उत्तल स्टील एंड एसोसिएशन बुलंदशहर। नंबर 4 असल प्रॉपर्टीज इंटरफ्राटेक्चर लखनऊ। नंबर 5 गर्ग बिल्डर टेक लखनऊ। नंबर 6 सन सिटी हाईटेक प्रोजेक्ट मथुरा। नंबर 6 पंचे रियल कॉन इलाहाबाद। दोस्तों, ये न्यूज़ ब्रेकिंग न्यूज़ आपके लिए थी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके लिए हम लेकर आते हैं हर एक न्यूज़ जो आपको देती है अधिक जानकारी। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।